वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक की बात की जाए तो आज 139.70 पे ट्रेडिंग कर रहा है स्टॉक। देखा जाए तो देख सकते कि 20 पैसे डाउन है, तकरीबन यहाँ पे 0.14% आज यहाँ पे मोमेंटम गिरावट बेरिश मोमेंट देखने को मिल रहे और 140 लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि बात की जाए स्टॉक आज ओपन हुआ था 140 लेवल के साथ ही, पर जैसे ओपन हुआ प्रीवियस क्लोजिंग का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगा स्टॉक के लिए और वही से गिरावट देखने को मिले। मीन्स बहुत ही वीक मोमेंटम नजर आ रहा है रिसेंटली इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक में इस मंथ में। तो क्योंकि देख सकते कि 140 एक इंपॉर्टेंट लेवल थी, 140 के ऊपर यहाँ पे स्टॉक जो है सेटल होता तो ऊपर जाने के जो चांसेस है और भी अच्छे बन सकते थे। तो रिसेंटली देख सकते स्टॉक में यहाँ पे कोई खास मोमेंटम नजर नहीं आ रहा, थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रहे। मार्केट कैप 12.51,000 करोड़ का है, पी रेशियो 40 का है और डिविडेंड यील्ड 1.43%। पिछले 5 दिनों में स्टॉक की 1% तक गिरावट देखने को मिले। वॉल्यूम की बात की जाए तो 10,63,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। ट्रेडेड वैल्यू 1,463 लाख की ट्रेडेड वैल्यू भी देखने को मिले। तो बाइंग के लिए 8,92,000 क्वांटिटी है, तो सेलिंग के लिए 10,40,000 क्वांटिटी पेंडिंग है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन देखे जाए तो 9 लाख में से तकरीबन 5 लाख क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके हैं, कुल मिलाकर 55%। चार्ट के ऊपर भी नजर डाली जाए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक के, तो देख सकते हैं कि स्टॉक में आज बेरिश मोमेंटम, कल यहाँ पे मंथली प्यूट को ब्रेकआउट किया, 140 लेवल पे मंथली प्यूट था उसको ब्रेकआउट किया, आज नीचे ही ओपन है, फिर ऊपर जाता है स्टॉक तो देख सकते हैं कि 140 लेवल रेजिस्टेंस एक्ट हो जाएगी और मोस्ट इंपोर्टेंटली जो है 139 लेवल जो है मीन्स 138.50 लेवल 138.50 लेवल यहाँ पे सपोर्टिव एक्ट हो जाएगी। स्टॉक ने कल भी उसी लेवल पे सपोर्ट लिया था, तो नीचे आता है तो उस लेवल पे सपोर्ट लगने के चांसेस होंगे।